वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 100 इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस की, और अप्रोक्स हम लिस्टिंग प्राइस भी जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पर लिस्ट हो सकता है। एक मिनिमम हम टारगेट रखते हैं और मैक्सिमम तो नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है इसमें कि मिनिमम तो इतना हम लेकर चलेंगे ही चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट वीडियो की ओर। वीडियो की ओर चलने से पहले, आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो इसी तरह का आपसे मिस ना हो पाए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे ही हम नीचे आते हैं इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस की ओर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस, जो जीएमपी के फोर फॉर्म में लिखा हुआ। द इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ जीएमपी आका ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस इज 30 रुपीज, यानी 30 रुपये पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस चल रहा है, जो लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी बेहतर है। और हम इस यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ को स्टॉक रेट्स टूडे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं को स्टॉक रेट जो है वो 400 रुपीज़ के बीच में चल रहा है। और नीचे देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया सब्जेक्ट टू सुधा प्राइस टूडे, यानी जो आज सुधा प्राइस जो चल रही है वो 4000 पे चल रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिस्टिंग देगी कंपनी, जो एक वेबसाइट के हिसाब से बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 50% देने की कोशिश करेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी होगा और कम भी हो सकता है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 तारीख से यहाँ पे अप्लाइंग स्टार्ट हुई थी, तो देख लेते हैं कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस जो है 35 रुपये, फिर 7 अक्टूबर को 30 रुपये, फिर 8 अक्टूबर को 30 रुपये, यानी आज के डेट में भी 30 रुपये है। और कंपनी का जो आईपीओ आया है वो कितने पे आया है वो आप खुद देख लीजिए, उससे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कंपनी का जो आईपीओ आया है वो हम बता देते हैं, हाँ आ गया। कंपनी का जो आईपीओ आया है वो आया है 56 से 59 रुपये के बीच में पर इक्विटी शेयर। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 59 रुपये इसका जो है कट ऑफ प्राइस हमेशा सेलेक्ट करनी है। तो कट ऑफ प्राइस प्लस हम जीएमपी प्राइस कितना था, तो 30 रुपये था, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए 9 को 1 9 और 5 और 3 8, यानी 89 रुपये पर कंपनी लिस्ट होगी। कितने पे लिस्ट होगी, 89 रुपये पे कंपनी लिस्ट होगी। आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस के हिसाब से कंपनी जो अगर अभी लिस्ट होती है तो 89 रुपये पे लिस्ट होगी। कल का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस के हिसाब से हम कल देखेंगे कितने पे कंपनी लिस्ट होती है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।